उसको शामिल नहीं किया गया। उम्मीद करेंगे कि विधायक निधि और सांसद निधि कहाँ कहाँ काम हुआ है, वास्तविक धरातल पे काम हुआ कितना हुआ और किस किस को दिया गया। कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि एक ही बंदा, एक ही कॉन्ट्रैक्टर जाके सांसद जी से मिलते हैं और जाकर के वहाँ से निधि उठाते हैं और छः छः निधि एक ही बंदा अपने खेत खलिहान बगीचा और अपने खेतों में लगाया जा रहा। तो ये ना हो, इसके लिए सरकार को चाहिए कि चाहे वो विधायक की निधि हो या सांसद निधि हो, उसका भी सर्वे किया जाना चाहिए, ऑडिट किया जाना चाहिए और उसका पता लगाया जाना चाहिए वास्तविक ही कितना खर्चा हुआ और क्या हुआ। शायद सरकार की जो जीरो टॉलरेंस और मानसिकता जो दूसरी ये है कि वास्तविक धरातल पे काम हुआ है और कितना हुआ और किसने किया है, तो इसका पता लगाने के लिए जो सोशल ऑडिट टीम बनाई गई है, ओसाटा और इसी टाइप की कुछ और कंपनियां को भी बाज़ार में काम देना दिया जाना चाहिए। इससे कई फायदे देखने को मिलेंगे। जो गांव स्तर की जो मीटिंग होती है, यदि गांव के कभी कभी ऐसे होता है कि वो लोग एक जगह पर नहीं बैठ पाते, इस दिन वो नहीं मिल पाते, तो ताकि वो लोग संपर्क कर सकें, एक वास्तविकता का पता लगाया जाए और किसी भी तरीके का कोई घोटाला ना हो और काम भी वास्तविक यूथ जो है, जो युवा वर्ग है, सबको सिस्टम से दिया जाए काम, ताकि वो अपनी रोजगार चला सकें। ये ना हो कि एक ही बंदा सांसद निधि को बार बार ला रहा है, एक ही बंदा विधायक की निधि का इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना हुआ है वास्तविक, उसके लिए सरकार को प्लान बनाना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में उस पर भी सोशल ऑडिट चालू होगा और इसके लिए जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट डायरेक्ट गवर्नर और पीएमओ और सीएमओ तक डायरेक्ट, ऐसा एक और इसमें अभी भी शायद बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है ताकि वास्तविक ही जो भी काम हो धरातल में काम देखने को मिले। बिल्कुल महेश बोगड़ा की आज सरकार द्वारा सोशल ऑडिट जो किया जा रहा है उसके ऊपर मेरी खास रिपोर्ट।